हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एक्टर की जिनको महज 12 साल लग गए केवल एक मेन रोल को पाने के लिए, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। इन्होंने जब लोगों को अपना एक्टर बनने का सपना बताया तो लोगों ने इनका खूब मजाक उड़ाया और इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने के लिए 5 साल तक वॉचमैन की जॉब भी। तो दोस्तों, आज ये बहुत बड़े बॉलीवुड एक्टर हैं जिनको हम उनकी बेहतरीन एक्टिंग के कारण जानते हैं। इनका फ्यूचर फिल्म की शुरुआत पतंग, जो कि 2012 में रिलीज हुई थी। इन्होंने अनुराग कश्यप के साथ अपने काम के लिए इंटरनेशनल स्तर पर पहचान हासिल की। इनकी मूवी गैंग्स ऑफ वासीपुर में इनकी बहुत अच्छी एक्टिंग रही। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज। तो दोस्तों, नवाज का जन्म 19 मई 1974 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर जिले में हुआ था। इनका जन्म नंबरदार नामक एक जमींदार परिवार में हुआ था। बहुत लोग सोचते होंगे कि नवाज का जन्म एक पुअर फैमिली में हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इनका जन्म एक अच्छे खासे परिवार में हुआ था। इनके पिता एक किसान थे और वो लकड़ियां काटने का भी काम करते थे, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों, नवाज के 6 बड़े भाई और 2 बड़ी बहन है। इनके शादी हाल ही 2009 में हुई है। इनकी पत्नी का नाम आलिया सिद्दीकी है और इनके टोटल 4 बच्चे हैं। लेकिन दोस्तों, बता दें आपको, इनकी पहली प्रेमिका फिल्म और थिएटर अभिनेत्री सुनीता रजवार थी, लेकिन कुछ समय के लिए इन्होंने अभिनेत्री निहारिका को भी डेट किया था। इनकी पढ़ाई गांव के एक छोटे से स्कूल में हुई और ये बाद में हरिद्वार के गुरुकुल नामक कॉलेज में चले गए, जहां से इन्होंने बीएसएस की डिग्री हासिल की। लेकिन इनको अब फिल्म इंडस्ट्री जाने का भूत चढ़ा, तो फिर क्या, ये अपने सपनों को साकार करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में चले गए। ये अपने संघर्ष के दिनों में एक केमिस्ट की दुकान पर काम करते थे और वहां से ये दिल्ली चले आए। अपने अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने एक थिएटर में लगभग 5 साल तक वॉचमैन की नौकरी की, लेकिन बाद में इन्होंने ये काम छोड़ दिया और अपने दोस्त के कहने पर ये अपने करियर को बढ़ाने के लिए 2004 में मुंबई चले गए। और मुंबई में के दौरान नवाज को सबसे बुरे समय का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह अपने पूर्व एनएसडी सीनियर के फ्लैट में रह रहे थे, जिसके लिए वहां इन्हें खाना भी बनाना पड़ता था। लेकिन अंत में नवाज को पहला ब्रेक बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की फिल्म सरफरोश 1919 में मिला। इसमें इनका बहुत छोटा रोल था और इनको फिल्म संजय दत्त की कॉमेडी मूवी मुन्ना भाई MBBS में एक चोर का रोल भी मिला था। लेकिन ईयर 2003 से 2006 तक इनको कोई काम नहीं मिला, जिसके कारण इनको अपना फ्लैट 4 लोगों के साथ साझा करना पड़ा। ईयर 2007 में इनको अनुराग कश्यप की फिल्म फ्राइडे में अभिनय करने का मौका मिला। और दोस्तों, इनकी खुद की फिल्म हराम को, जो कि 2015 में रिलीज हुई, इस मूवी में इन्होंने केवल 1 रुपए की टोकन राशि ली है। इनका फिल्म चार्ज इस बात पर भी निर्भर करता है कि वह किस तरह का प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। और इस मूवी से इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला है। इन्होंने बॉलीवुड के 3 सुपरस्टार खान के साथ भी काम किया है, जैसे नंबर 1 पर हम बात करते हैं सलमान खान के साथ। तो दोस्तों, सलमान खान के साथ इन्होंने बजरंगी भाईजान मूवी में एक पत्रकार का रोल निभाया है। नंबर पर हम बात करते हैं आमिर खान के, तो दोस्तों आमिर खान की मूवी तलाश में इन्होंने काम किया है। और नंबर 3 पर हम बात करते हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ, इन्होंने रईस फिल्म में काम किया है, जिसमें इन्होंने एक इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई है और इस मूवी के लिए इन्होंने 11 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। और दोस्तों, हमको इनकी हर मूवी में 1 या 2 बेहतरीन डायलॉग भी पाते हैं, जो कि लोगों को बहुत पसंद आते हैं। तो दोस्तों, बता दें आपको कि नवाज के पास टोटल $20 मिलियन की संपत्ति है, जो कि भारतीय रुपए में लगभग 164 करोड़ रुपए है। और वारसोवा मुंबई में इनके पास आलीशान घर भी है। नवाज ने मुंबई में अपने घरों का आशियाना बना लिया है, जिसकी तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है। और इन्होंने 2022 में एक नया बंगला भी खरीद लिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवाज महंगी गाड़ियों का शौक भी रखते हैं? इनके पास फोर्ड की एंडेवर और मर्सिडीज GLS जैसी लग्जरी SUV मौजूद है। दोस्तों, इनकी top 3 मूवीज, नंबर 1 पर आती है माजी द माउंटेन मैन, नंबर 2 पर आती है हराम खोर, नंबर 3 पर आती है गैंग्स ऑफ वासीपुर। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आपको नवाज की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।